लैब टेक्नीशियन सेफ्टी रोल्स। अगर आप एक लैब टेक्नीशियन हैं या आप अभी लैब टेक्नीशियन कोर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, तो लैब का अंदर जब आप काम करेंगे तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स माइंड में रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका लैब में बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो मैं वही रूल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे कि क्या रूल है। तो हमारा पहला रूल यही है कि हमेशा अपने काम करने वाले क्षेत्र को साफ रखें और जितना भी लैब के सामान है उसको भी साफ रखें। दूसरा रूल है कि जब आप लैब में काम करेंगे तो सेफ्टी ग्लास और फेस शील्ड जरूर पहनें। ग्लव्स और लेबोरेटरी कोट जिसको एफ्रॉन बोलते हैं उसका यूज जरूर करें। और चौथा यही है कि लैब के अंदर कभी भी कुछ खाना और कुछ पीना नहीं है। पांचवा रूल है कि अगर आपका बाल लंबा है या ढीला कपड़ा आप पहने हो तो उसको पूरी तरह से टाइट कर लें। छठा रूल है कि लैब के अंदर कभी भी आप माउथ सक्शन और पीपिटिंग मुंह के द्वारा कोई भी सैंपल को ट्यूब से दूसरे ट्यूब में ना करें। सातवां रूल यही है कि अपने स्किन और आई को केमिकल से दूर रखें। और आठवां रूल यही है कि केमिकल और लैब का सामान को खाली लैब में यूज करें। और नौवां रूल है कि कभी भी अकेले लैब में काम ना करें। और हमारा दसवां सेफ्टी यही है कि सभी कंटेनर लेबल में ही होने चाहिए, अनलेबल कंटेनर का उपयोग आप लैब में ना करें। और ग्यारहवां रूल यही है कि कभी भी टेस्ट करना है कोई भी केमिकल का तो उस केमिकल का कंटेनर को ओपन ना छोड़ें। बारहवां यूज है कि लैब से बाहर जाने से पहले सभी इंस्ट्रूमेंट या सामान को बंद रखें और दरवाज़ा बंद करके जाएं। और तेरहवां यूज है, आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी गेट कौन जगह है आपके लैब में, क्योंकि दुर्घटना होने से पहले आप निकल जाएं। लास्ट चौदहवां यूज है कि लैब से अपना घर या कहीं भी बाहर जाने से पहले आप हैंडवाश से अच्छे से हाथ धो लें। यदि आपको सभी रूल समझ में आ गए तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट।